दोस्तों स्वागत है आपके YouTube चैनल नफीस हेल्थ केयर में। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ नई मेडिसिन के बारे में सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीरो डाल TH के बारे में, जो कि ये जीरो डाल TH4 के बारे में, जो कि 8 mg एंड 4 mg में पावर में आती है। बात करें दोस्तों ये IP का कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी बनाई जाती है। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg पाई जाती है एंड थायोकॉल्चिकोसाइड जो होती है 4 mg में पाई जाती है और 8 mg में भी पाई जाती है। दोस्तों जो एसिक्लोफेनेक होता है ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। एंड थायोकॉल्चिकोसाइड जो होती है दोस्तों ये मसल्स रिलैक्सेंट होती है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पेन होता है, काफ़ी मोस्ट टाइप पेन होता है, तो उसको क्या होता है, रिलैक्स करता है एंड आराम देता है दोस्तों। ये बात करें दोस्तों जीरो डॉल TH कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो जैसे कि दोस्तों डॉर्सल पेन हो गई, यानी कि अपर पेन हो गया बैक पेन में, तो वहाँ यूज किया जाता है। मसल्स स्टिफनेस हो गई है, यानी कि मसल्स में क्या होती है, मोच दर्द होती है, जिससे जैसे कि हमारे गर्दन की मसल्स है, अगर इसमें मोच आ जाती है तो क्या होता है, इस तरह से हम मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये दोस्तों उस टाइम दिया जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मसल्स पेन हो जाते हैं, या मसल्स में मरोड़ सी दर्द होती है चोट की वजह से या कुछ वजह से, तब भी दिया जाता है दोस्तों। इसका यूज जैसे कि स्वेलिंग हो गई है तब भी यूज करते हैं, स्वेलिंग में आराम देता है। ये क्या करता है, हमारे स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन पे काम करता है, जिससे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को एक्ट करता है, जिससे कि जो स्टिफनेस हो जाती है मसल्स में, मरोड़ हो जाती है, तो आराम देता है, प्लस मूवमेंट में आराम करता है मसल्स के मूवमेंट में। तो दोस्तों ये इसके आराम करने में, यानी कि ये यूजेस होते हैं इसके, इस तरह से मसल्स मस्कुलर पेन होता है किसी भी तरह का, तो थायोकॉल्चिकोसाइड जो होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। वैसे तो एसिक्लोफेनेक जो होता है दोस्तों ये पेन किलर तो होता है, बट थायोकॉल्चिकोसाइड जो होता है स्टिफनेस एंड मसल्स के पेन में बहुत ही इफेक्टिव होता है, इसलिए ये थायोकॉल्चिकोसाइड यूज किया जाता है। जैसे कि इसका यूज जॉइंट पेन में हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन पेन होता है, तब भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये रहे दोस्तों इसके यूज के बारे में, मसल्स पेन के बारे में, जो कि मसल पेन होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियाँ के बारे में, तो दोस्तों अगर लीवर डिजीज है तो इसका उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है दोस्तों। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको बिल्कुल भी नहीं देना है ये दवा, बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह से कंसल्ट करके आपको बिल्कुल ना दें दोस्तों। डोज इसके बारे में, डोज की बात करें तो दोस्तों आपको एक टेबलेट दिन में, मतलब एक दो बार ले सकते हैं एक टेबलेट, जब भी आपको पेन हो, मस्कुलर पेन हो, स्टिफनेस हो या मोच आ गई हो तो दे सकते हैं दोस्तों। साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट जो होता है डायरिया हो सकती है आपको, यानी लूज मोशन हो सकती है, डिजनेस हो सकती है यानी कि चक्कर आ सकता है आपको, नाउजिया हो सकती है यानी कि वोमिट फील हो सकती है या फिर वोमिटिंग हो सकती है, आपको स्टमक पेन हो सकता है, या फिर क्या होता है अगर साइड इफेक्ट देखा जाए तो ये क्या करता है, लीवर के एंजाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है ब्लड में, ये इसके साइड इफेक्ट है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट एंड लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।